Bande Guru Padadandam Bhakta Bindu Samannitam Sri Chaitanya Prabhu Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanam Bande Radhika Charanodayam Gopijana Samayuktam Bindavanam Vāñśā kalpataru vāśya kipāsindu vevaśya patitānaṁ pāvune bhaveshna vibhyo namo namah mūkhaṁ karoti vāchālaṁ pangum langhaitagirim yat kipātam haṅbandi paramānanda mādhava vindhāvai tosidepoi piyāvai kesavasya Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namah Narayana Namaskritta Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayo Mudira Sankirtane Krishna Kathopadesha Gauriya Putrasya Prakasane Cha Sadanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodakshya Jagodbarunna Deyam Sada Parivabhagnam Vishtaduham Tirthaspadam Siva Virinchanutam Saranyam Vetatiham Panutapal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charunaravindam Yat Pada Pallavana Kachanda Manichataya Vispurijita kimapikabhavadushvadarshi Purunanuragara sasagara saharamurti Saradhikamai kata kipam karo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Ajānulambita bhujo kanukha bodhato Sankirtanai kavitaru kamala yatakshu Vishambaru dijavaru yugadharma palau Bande jagat priya karu Karuna bataru Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Dibha Rupam Bhuktin Cha Muktin Cha Dada Sinitam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tobam bhagam Narayano priyamanangamada paharam Varanasi purapati bhajavi shanatham Vāgī sajushva vadane Lakshmīr jashvacha vakshashi Yasyāste hidai sambhīt Tvam nishinga maham bhaje Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Kaya no vacha, manasa indiyariva,
बुद्ध्वात्मना वामनुसृतो स्वभावान् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्वात्मना वामनुसृतो स्वभावान् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् गौरी गोष्ठीपति शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल परमहंस जगत गुरु जी ने बताए गुरु तत्व में प्रतिष्ठित नहीं होने से भजन का शुरुआत ही नहीं होता। गौरी गोष्ठीपति शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल परमहंस जगत गुरु जी ने बताए गुरु तत्व में जब तक प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक भजन का शुरुआत हो नहीं पाता। गुरुचरण में शरणापत्ति पूर्ण विश्वास आस्था ये भजन का मूल है। बद्ध जीव किसी भी हालत से गुरुचरण में शत प्रतिशत शरणागति दिखा नहीं सकते, कर नहीं सकते, क्योंकि बद्ध जीवों का ये स्वभाव है अपना तरफ से कुछ बुद्धि लगाए। प्रभुपाद कह रहे हैं जब ऐसा विचार बनाए आदमी कि मैं गुरु जी से ज़्यादा समझता हूँ, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, हो गया भजन का सत्यानाश, छुट्टी हो गया। गुरुचरण में विश्वास, गुरुचरण में आस्था, सर्वांगीण शरणापत्ति, लब्धार्पणम, ये सारे भजन का गहरा रहस्य है। दुनिया का आदमी दो तरफ बैलेंस रखना चाहता है, एक तरफ भजन का, दूसरा तरफ सांसारिक जिंदगी का जो उटपटांग है उसमें भी थोड़ा चले, कोई बात नहीं। ऐसा मापिक विचार प्रभुपाद कह रहे हैं भजन में चलता नहीं, भजन में चलेगी नहीं ऐसा विचार। ये प्रभुपाद एक उदाहरण के द्वारा समझाने का कोशिश की। समझो कि एक नदी में दो किश्ती है, बोट बगल बगल में ही है, और दो किश्ती में एक दो किश्ती का एक किश्ती में मैंने एक पैर रखा, एक पैर मैंने धर दिया एक किश्ती में बोट में, और दूसरा पैर रख दिया दूसरा किश्ती में। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा विचार जिन लोगों का है जिंदगी में, यूं समझ लो कि भजन इनके लिए संभव नहीं है, दोनों तरफ बैलेंस करके चले ये संभव नहीं। समाज का आदमी का ऐसा विचार है अरे महाराज संसार भी करो भगवान को भी बुलाओ, ये सब जो विचार है ये दो किश्ती में दो अपना दो पैर एक एक पैर एक एक किश्ती में रखने का बराबर है। अगर आप कहोगे तो वैष्णव लोग भी तो संसार तो करता ही है, हाँ मंगसब वैष्णव लोगों का संसार जो है हमारा संसार का साथ तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा संसार है मेटेरियल संसार, वैष्णव लोगों का जो संसार है वो अप्राकृत संसार। वो कैसे, जैसे शिवानंद सेन का बाल बच्चा है, बीवी है, यहाँ तक कि शिवानंद सेन जो गौरंग महाप्रभु के साथ देखा करने गए, एक दफे बहुत दफे गए,
बच्चा होने वाला था, एक बच्चा चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया हमारा दूसरा एक लड़का हो तो इसका नाम ऐसा रखना, बोल के बोल दिया। मतलब चैतन्य महाप्रभु संसार का खिलाफ नहीं है, अप्राकृत संसार का खिलाफ नहीं, लेकिन मेटेरियल संसार का खिलाफ है। शिवानंद सेन का संसार, अद्वैत गोसाई का संसार है, शिवास पंडित का संसार, ये जो संसार है ये हमारा संसार का साथ कभी भी तुलना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारा संसार है मेटेरियल संसार। ये लोगों का जो बाल बच्चा है, बीवी है, बाल बच्चा है, ये सर्वशक्ति, ये जो आपका संधिनी शक्ति, ये जो संधिनी शक्ति है, ये संधिनी शक्ति का, ये संधिनी शक्ति का विलास है, ये संधिनी शक्ति का एक विलास है और कुछ नहीं। जड़ जगत में जो आम आदमी का जो संसार है, हमारा जो संसार है, वो संसार है माया देवी का प्रकटित निजी जन। निजी जन क्यों? मैं समझता हूँ निजी जन, मेरा गलत फहमी है कि मैं समझता हूँ कि निजी जन है, इसलिए इस जड़ जगत का जो आदमी है और जो तथाकथित भक्त है, ये लोगों का संसार जो है माया देवी का प्रकटित निजी जन, और वैष्णव का, भक्तिविनोद ठाकुर का, शिवदास पंडित जी, अद्वैत गोसाई, शिवानंद सेन, ये लोगों का जो संसार है ये भगवान का संधिनी शक्ति, ये ओरिजिनल संधिनी शक्ति, मैं ये जो परछाई है, संधिनी शक्ति का जो परछाई है, इसका बारे में नहीं कह रहा हूँ, इसका बारे में नहीं कह रहा हूँ, संधिनी शक्ति जो ओरिजिनली उपस्थित है वैकुंठ जगत में, प्राकृत जगत में, ये संधिनी शक्ति का प्रकटित निजी जन है, संधिनी शक्ति का प्रकटित निजी जन है। तो ये लोग का संसार का साथ हमारा संसार एक जैसा लगता है, लेकिन एक नहीं है, एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जड़ संसार में भौतिक आनंद, भौतिक सुविधाएं, जितना सारे भौतिक सुविधाएं हैं, भौतिक आनंद है, ये सब भौतिक आनंद लेकर जड़ संसार में बद्ध जीव अपना मजा ले रहा है। लेकिन श्रीनिवास आचार्य का संसार, शिवास पंडित का संसार, अद्वैत गोसाई का संसार, शिवानंद सेन का संसार ऐसा नहीं है, बाहरी दृष्टि में एक जैसा लगता है लेकिन एक नहीं है। ये लोग अपना बाल बच्चा जो कुछ भी है सब भगवान का संतुष्टि विधान करने के लिए पालन पोषण कर रहे हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का ही विचार है। हमारा संसार, हमारा बीवी बच्चा सब भगवान का सेवक सेविका है, ये लोग सेवा करते रहेगा, ये विचार है। और जड़ जगत का आदमी का विचार है खाओ पियो जियो मजा ले लो, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इसीलिए जो श्लोक दे के शुरुआत किया था, श्रीमद् भागवत जी महापुराण का श्लोक है 11 स्कंद का, यहाँ उपदेश दिया नवजुगंध का एक जगंद्र है, बता रहे काय कायेन वाचा मनसेन्द्रिय, काय मन वाक
buddhi ba anushito inherited habit pehle ka sanskar ka mutabik kuch bhi karne chahe swabhava anushito swabhava purva sanskar ka koi swabhav ke anusar kuch swabhav hai jo kuch bhi hai ye sare भगवान का चरण में समर्पण करना है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना अनुष्यतो स्वभावत् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। सब भगवान का चरण में समर्पित करना है। जब तक हम अपना सुविधा का विचार करेंगे, जब तक हम अपना सुविधा का विचार करेंगे, तब तक ये फांसी का फंदा बन जाएगा मेरा जिंदगी में, और कुछ नहीं। मैंने काल भी बताया था, बड़ा हैरान की बात है। पोपा कह रहे हैं हम लोगों का तकदीर जल गया। दो किस्म का तकदीर है। एक किस्म का तकदीर कैसा है, जला हुआ तकदीर, और एक तकदीर है साबुत है। अच्छा, जो लोग गुरु वैष्णव के चरण में थोड़ा श्रद्धा विश्वास रखने वाले हैं, भगवान पर भरोसा रखने वाले हैं, हरि कथा में रुचि रखने वाले हैं, ये लोगों का तकदीर बड़ा अच्छा है। ये हमने नहीं कहा, महाप्रभु जी ने कहा, पद्रुन्न मिश्रो। जब महाप्रभु जी के सामने हरिकथा सुनने का इच्छा प्रकट की, महाप्रभु जी ने बताए आपका हरिकथा में बड़ा रुचि है, तुम्हारा हरिकथा में बड़ा रुचि है, बड़ा भाग्यवान हो आप। महाप्रभु जी ने यह बात उठाया, तुम्हार हरिकथाए रुचि तुम्हें महाभाग्यवान, तुम्हार हरिकथाए रुचि तुम्हें महाभाग्यवान, जार हरिकथाए रुचि से महाभाग्यवान। जिसका ही जिंदगी में हरिकथा में रुचि का प्रभाव देखा जाता है, उससे बढ़कर भला कोई सौभाग्यवान हो सकता क्या? कोई नहीं सकता। जीने का मरने का जो कुछ भी है व्यवस्था, हर समय भगवान को याद रखना, भगवान को प्यार करना, गुरु वैष्णव को याद और आदर करना, यही तो है अनमोल संपत्ति। मैंने ये बताया था काल चर्चा करते हुए, आपका अंदर में जो आपका जो मन है, ये मन आपका साथ धोखाबाजी कर सकता कभी भी। मन को विश्वास करने का चेष्टा ना करें, कभी भी ये धोखा दे सकता। मन का ये दुर्गंध दूषित स्वभाव है। जो मन आपको सहयोग करता है भजन में, माया का बंधन छुड़वाने के लिए जो आपको सहयोग करता है, ये मन, ये विचार आपका जो है आपका दोस्त है। और आपका मन अगर आपका साथ गद्दारी किया, बेईमानी किया, तो क्या करोगे? इसीलिए भगवान ने बताया अपने आप को बचाने का कोशिश करें। उद्धरेत आत्मना आत्मनम आत्मनैव नवसादयत्।
try to help yourself. अंग्रेजी में भी एक कहावत है, God helps them, those who help themselves. ईश्वर उन लोगों को सहायता करता है जो अपना तरफ से भरपूर कोशिश भी करता है. God helps them, God helps them, those who help themselves. उद्धरेत आत्मना आत्मनम न आत्म है, उद्धरित आत्मनात्मनम न आत्मन नहीं अवसादित. बंधुरात्मा आत्मनस्व, क्या बोल रहे, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य जेनात्मैव आत्मना जीतः अनात्मनस्तु शत्रुत्व बर्ते त्वात्मैव शत्रुवत्. बंधुरात्मा आत्मनस्तस्यो जेनात्मैव आत्मना जीतः अनात्मनस्तु शत्रुत्व बर्ते त्वात्मैव शत्रुवत्. क्या बताया, बंधु रात्मा आत्मनस्त, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य जेनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत्वात्मैव शत्रुवत्. माने क्या है, अपने आप को बचाने का कोशिश करे, अपने आप को बचाने का कोशिश करे. जिस आत्मा अपना बंधु का मापी काम करता है उसका मन वशभूत रहता है, जिसका आत्मा के द्वारा मन इंद्रियों शरीर वशभूत तो हो नहीं पाया, कहने का मतलब है जो जितेंद्रियों नहीं हो पाया, जो जितेंद्रियों हो नहीं पाया उसका मन बेईमानी करेगा ही करेगा, गद्दारी करेगा ही करेगा. और जो जितेंद्रिय व्यक्ति है, जितेंद्रिय व्यक्ति का मन विचार जो है सब अपना जिगड़ी दोस्त असली दोस्त का माफी काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है. कल ये सब बताया था. हमने बताया था तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्ट जेनो केनो चित. तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्ट जेनो केनो चित, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है. कहने में आसान लगता है, विचार करके देखना पूरा दुनिया को कौन व्यक्ति ऐसा है कि दोस्त समझ सकता है, पूरा दुनिया मेरा दोस्त है, बेईमान मेरा मन है. तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्ट जेनो केनो चितो अनिकेतो स्थिर आत्मा है ना. तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्ट जेनो केनो चितो अनिकेतो स्थिर मति है, ये सब सुंदर श्लोक है. लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत जी गीता में, श्रीमद् भगवत जी महापुराण में लिखा हुआ है. तुल्य निंदा, कोई निंदा करे या तो स्तुति करे, माला चढ़ाए, अपमान करे, कुछ भी करे, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जेनो केनो चित. मौनी मतलब
भगवान का बातें, भगवान का चर्चा, भगवान का कीर्तन, भगवान का कथा छोड़कर दूसरे जड़ जगत का कथा में रमन नहीं करने वाले जो है तुल्य निंदा स्तुति मौनि, जिसका जिसका हृदय में निंदा करो स्तुति करो बराबर दिखता है, जो तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्ट जैन के जो किसी भी हालत से हर वक्त संतुष्ट रहता है। असंतोष जो है ये आत्मा का धर्म नहीं है, इस बात पर ध्यान दे। ये जो असंतोष है, डिससेटिस्फेक्शन है, ये जो भूख प्यास है, ये जो सुख और दुख है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। ये आत्मा का धर्म बिल्कुल नहीं है, लेकिन लगता है कि आत्मा का धर्म है, बिल्कुल आत्मा का धर्म नहीं है। क्योंकि आत्मा का साथ, विशुद्ध आत्मा का साथ इसका कोई ताल्लुकात है नहीं, लेकिन माया का असर है। इसीलिए जो नहीं है, जो नहीं है उसी को सच्चा लगता है, जो नहीं है बिल्कुल नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन उसी को ही सच्चा मानना पड़ता है। मायादेवी का ऐसा प्रभाव है, जो हर हालत में सुखी रहता है ये तो जितेंद्रिय व्यक्ति, इसका नाम है आत्मस्थ हो, आत्मा में अवस्थित है, मतलब ये सुख दुख ये सब का बाहर है। ये बाकी दुनिया का आदमी जो है ये तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्ट जैन के अनिक तो स्थिर मति भक्तिमान में प्रिय न रहा। याद करना है श्लोक को, याद रखना, तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्ट जैन केनोचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रिय न रहा। भगवान ने बोला ऐसा मैं भी भक्तिमान आदमी मेरा बड़ा प्यारा है। काल बताया था ये सुख दुख मान अपमान ये आत्मा का ये जो अनुभव है ये आत्मा का साथ इसका कोई ताल्लुकात नहीं। मैंने कई बार ये बात को चर्चा की, ये भूत भविष्यत और वर्तमान, मैंने इस विषय पर चर्चा की। भूत भविष्यत और वर्तमान की बैकग्राउंड में, भूत भविष्यत और वर्तमान की बैकग्राउंड में जिस चीज का कोई त्रैकालिक अस्तित्व नहीं है, भूत भविष्यत और वर्तमान की बैकग्राउंड में, भूत भविष्यत और वर्तमान की बैकग्राउंड में जिस चीज का कोई कीमत नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उस चीज को नित्य वस्तु नहीं माना जा सकता। उस वस्तु को नित्य वस्तु नहीं माना जाता। जैसे कि मेरा दुख सुख है, आनंद है, ये सारे आगम पाइना शीतुष्ण सुख दुखदा तांतिक्ष अर्जुन, ये सब सहन करने का कोशिश करो। क्यों? ये सब आगम पाइना आएगा और भागेगा, ये रहने वाला चीज नहीं है, आएगा और जाएगा। तांतिक्ष आगम पाई ना, आगम पाई ना आएगा और जाएगा, रहेगा नहीं। भगवान ने अर्जुन को ये बताया। मैंने ये तक मैंने इस बात को खुलासा किया, भूत भविष्यत और वर्तमान की बैकग्राउंड में जिस वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है उसको असली वस्तु नहीं माना जाता,
वो माया का वस्तु है। माया संसार माया का वस्तु है। और भूत भविष्यत और वर्तमान की बैकग्राउंड में जिस वस्तु का त्रैकालिक अस्तित्व है, जैसे सद्गुरु, जैसे भक्ति, जैसे धाम, भगवान का नाम, ये सारे त्रैकालिक अस्तित्व है। भूत भविष्यत और वर्तमान का बैकग्राउंड में इसका हर हालत में स्थिति है। तो मेरा जो दुख है, अभी दुखी हूं मैं, अभी दुखी हूं मैं, दो घंटा बाद सुखी बन जाए, रात को बड़ा आनंद से मजा लिया, सुबह में उठकर पसीना पसीना हो गया, तबीयत खराब हो गया। ये जो सुख दुख है, मान अपमान है, ये तो अनित्य है। इसीलिए जितेंद्रिय व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति कभी भी ये सब अनित्य वस्तुओं को लेकर अपना दिमाग को खराब नहीं करता। चलो जो हो गया हो गया, संपत्ति ले लिया चाचा लोग सब पिताजी का, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ले ले, लेने दो। महाभारत का एक कहानी आता है, याद आता है, युधिष्ठिर महाराज हैरान हो गया ये बात को विचार करके। एक आदमी बाहर में रहता था, किसी नौकरी चाकरी में पैसा कमा रहा था, अच्छा पैसा कमा रहा था, चलो बाहर में रहता था, अपना महके अपना ग्राम में गांव में नहीं रहते थे। और इसी बात का नाजायज फायदा लेते हुए अपना भतीजा जमीन को कब्जा कर लिया, और खबर गया ये बाबू का पास, आपका भतीजा अपना जमीन को कब्जा कर लिया। चलो कौन किसका जमीन लेता है, क्या करे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जिंदगी दो दिन का है बस। इसका बाद रिटायरमेंट हो गया, पैसा कमाई कम हो गया, अब उस जमा पैसा कमाई कम हो गया, फिर गांव पे लौट के आया। आने के बाद बोल रहा है, भतीजा को, ऐ मेरा जमीन दे दे, लड़ाई लग गया, विचार गया राजा का पास। राजा ने सुना भी था पहले का विचार, तो पहले इन्होंने बताया चलो कौन किसका जमीन ले, लेने दो, अभी बोल रहा है कि मेरा जमीन वापस दे दो, लड़ाई लग गया, बड़ा मुश्किल। कब आदमी का मन का परिवर्तन हो जाए, युधिष्ठिर महाराज ने बात को देखा ग्यारह से, कली प्रविष्ट होने का पहले का और कली प्रविष्ट होने का बाद, थोड़ी दिन का गैपिंग में युधिष्ठिर महाराज ने महसूस कर ली कि अभी जो व्यक्ति काल अन्याय नहीं करना चाहता था, काल जस्ट दो दिन पहले, अभी वो क्या बोल रहा है, झूठा बोल रहा है, लड़ाई कर रहा है, छोटी सी विषय के ऊपर लड़ाई झगड़ा। युधिष्ठिर महाराज समझ गया जो आदमी पहले कभी झूठा नहीं बोला वो आदमी झूठा बोल रहा है, जो आदमी चोरी नहीं किया अभी चोरी करना चाहता है, जो आदमी का कैरेक्टर अच्छा था चरित्र वह अभी उल्टा रास्ता में चल रहा है। युधिष्ठिर महाराज समझ गया अभी धरती पर सच्चाई का राज करना मुश्किल है। युधिष्ठिर महाराज ने समझ गया कि महाराज अभी ये धरती पर बदलाव
ये धरती पर बदलाव आ रहा है, ऐसा भयंकर बदलाव है जो सपने में भी हम सोचा नहीं। एक ही आदमी काल कितना नीति का बात बोला, कितना धार्मिक है, आज वही व्यक्ति अधार्मिक हो गया, ये क्या बात है? ये होना ही है क्योंकि कली का प्रभाव है। संतोष नामक जो धन है ये कोई सामान्य चीज नहीं है, बड़ा मुश्किल से किसी का जिंदगी में संतोष नामक धन पैदा होता है, एक बड़ा संपत्ति है। गुरु वैष्णव कृपा के द्वारा किसी का जिंदगी में गुरु वैष्णव कृपा के द्वारा संतोष नामक जो धन पैदा हो सकता है, बाकी अपना प्रयास प्रचेष्टा के द्वारा अपना जिंदगी में शांति लाने का कोशिश करे तो ये ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, संभव नहीं, क्योंकि संभव नहीं, ये तो अपना प्रयास है। भगवान को ऊपर भरोसा रखना, अपना पालन पोषण का जुमा ठाकुर जी का है, मैं बस अपना कर्तव्य क्या कर्म करते चलूं, बाकी तो भगवान का कृपा के द्वारा हो जाएगा। भगवान का कृपा का ऊपर भरोसा नहीं रखने वाले, भगवान का कृपा का ऊपर भरोसा नहीं रखने वाले कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान का कृपा का ऊपर भरोसा नहीं रखने वाले कभी भी शांत नहीं हो सकता, कभी भी शांति प्राप्ति नहीं कर सकता। मन में हर वक्त एक किस्म का बेचैनी सदा सर्वदा बने रहेगा, एक किस्म का बेचैनी है ये रहेगा। अर्जुन मिश्र, काल हमने इस बात को उठाया था, अर्जुन मिश्र बोल के एक अच्छा खासा भक्त है पुरुषोत्तम धाम में, अपना बीवी का साथ ब्राह्मण ब्राह्मणी भक्त है, भगवान का भक्त है, जगन्नाथ का गुजारा किया करते थे भिक्षा के द्वारा अपना गुजर बसर हुआ करता था। एक दफे अर्जुन मिश्र गीता पाठ करते करते रोज ही गीता पाठ करते थे, गीता आवर्तन भगवान को रिझाने के लिए। एक दफे मन में कुछ एक शंका पैदा हुआ, एक छोटा सा शंका पैदा हो गया, अरे ये क्या लिखा है, अनन्नस चिंतन तो ये यना माम परजुपासते तेसाम नित्ताभियुक्तानाम योगक्षेम बहाम्य हम, ये तो हो ही नहीं सकता, अरे भगवान खुद जुमा लेगा है? भगवान खुद जुमा लेंगे, कोई हो सकता है? हो सकता है किसी के द्वारा भगवान करवा देगा, ये हो सकता है, भगवान साक्षात करेगा, ये क्या बात है, ये ठीक नहीं है, ये थोड़ा गलती लगता है। अनन्नस चिंतन तो ये यनामाम परजुपासति तेषाम नित्ताभियुक्तानाम, तेषाम नित्याभियुक्तानम योगक्षेम भाव, मैं उसी का योग और क्षेम, जो चीज है उसको प्रोटेक्शन देना, रक्षण करना,
जो कुछ नहीं है उसको दिल उसको देने का मैं जुमा खोद लेता हूँ। अनन्य चिंतन तो ये जना माम परजुपासते तेषाम नित्ताभियुक्तानम योगोक्षेम बाहम्यम। अर्जुन मिश्र ने नीचे का लाइन को काट के थोड़ा सा एडिट कर दिया। तेषाम नित्ताभियुक्तानम योगोक्षेम बहयामी अहम, किसी के द्वारा मैं उसका व्यवस्था करता हूँ, किसी के द्वारा डायरेक्टली भगवान ने लिखा बहाम्यहम बहामी अहम, उन्होंने लिखा बहयामी अहम, किसी की तरह हम चक्का घुमा देंगे करवा देंगे। ठीक है चलो, अर्जुन मिश्र जी अभी भिक्षा में गया। ऐसा कुछ नियम इनके जिंदगी में देखा गया कि जो भी भिक्षा करके लाए ब्राह्मणी उसी को पाक करके भोग लगाते थे और पाते थे, ये नियम है। अब अर्जुन मिश्र आज भिक्षा में गया, पूरा दिन पसीना पसीना हो गया, धूप इतना कड़ा धूप है उड़ीसा में, और घूमते घूमते परेशान हो गया। उस दिन कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला नहीं, उस दिन कुछ भिक्षा मिला नहीं, ये रिकॉर्ड है। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं, आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं जो खाली हाथ घर में आया, ये कभी हुआ ही नहीं, आज पहली बार। हमारा गुरु वर्गों का एक लीला है ऐसा, श्री गोस्वामी महाराज माधव गोस्वामी महाराज जी अपराकृत ब्रह्मचारी हरकृत ब्रह्मचारी, इन दोनों ने प्रभुपाद का चरण में शिकायत किया, प्रभुपाद आज से जो भिक्षा हम लोग लाएंगे सब आपका हाथ में देंगे और किसी का हाथ में नहीं देंगे। तो क्यों क्यों क्यों? पहले पैसा इधर उधर हो रहा है, पैसा इधर उधर हो रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने ही तो जुमा दिया, आज से आपका हाथ में देंगे हम लोग ये भिक्षा लाएंगे। पोपाद ने बोला देखिए भिक्षा तो मैं करता हूं, भिक्षा मैं करता हूं, अरे आप बैठे रहते हो मंदिर में, हम लोग जाता है धूप में, आप उधर ये समझने वाला बात है। दोनों में मिलकर भिक्षा में गया, पूरा दिन कुछ नहीं मिला, वापस आया आंखों में आंसू टपक पड़े, प्रभुपाद को दंडवत किया और रोते हुए बोला प्रभुपाद आज कुछ नहीं मिला। प्रभुपाद ने बोले देखो देखिए भिक्षा मैं करता हूँ। कोई आदमी अगर सोचे जब मैं करता हूँ तो इसको 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 ये बोलने का कोई अधिकार है नहीं। अर्जुन मिश्रो घर वापस आया, ब्राह्मणी को चिल्ला चिल्ला के बोले ब्राह्मणी और कुछ नहीं मिला, अब रोसी पुसी नहीं होने वाला, क्या कहते हो बकवास? अरे बकवास नहीं है, कुछ नहीं मिला आज, मिला नहीं, अरे आपने इतना चावल डावल तेल घी मसाला हमने जिंदगी में दिखाई नहीं, आपका सर आपका साथ मैं घर कर रहा हूँ, आपका साथ मैं रह रहा हूँ इतना दिनों से, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, इतना चाल डाल तेल घी नीमक कौन दिया घी? मेरे क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो ये देखो, अरे अरे कौन देखेगी? अरे आप ही तो दिया। ना 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 हम तो नहीं दिया, हम कहाँ दिया, हम तो अभी आ रहे हैं, कौन दिया? दो बच्चा, बच्चा यहाँ दो बच्चा, एक काला है एक धोला है, एक काला है और एक धोला है, दो बच्चा इतना सामान लेके चल नहीं सकता, इतना कमजोर बच्चा है, नाजुक बच्चा है, इसको तुम्हारा कोई मर्सी नहीं है,
दया नहीं है, क्या बकवास कर रहे हो? बोला हाँ, बोले ये सब तेल घी सब दिया, हमने पूछा कौन दिया, तुम्हारा नाम बोला, मिश्र जी ने भेजा, अब बोलो हमने उठा नहीं सका बोझ तो हमारा पीठ में मारा है, मारा है, अब तो कुछ कभी तो मारता नहीं वो, पर देखो मारा मारा कि नहीं देखो, ले पीठ अपना पीठ को दिखाया कृष्ण बलराम, ये काला है धोला, बोले देखो पीठ में मारा है, देखो लाल दाग, री राम 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 राम, आपको मारा है, छी 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 छी, ऐसा बोलके बच्चा दो बच्चा चला गया। अर्जुन मिश्र समझ गया कि ये मेरा गलती है, ये मेरा गलती है, जब मैंने शक प्रकाश की, जो भगवान खोद भक्तों का जुमा नहीं लेता है, किसी से करवा देता है, हाय राम राम राम, जाके फिर जो जगह गीता का कट दिया था, एडिट किया था, पुनः पुनः क्षमा मांगकर उसको ठीक कर दिया। अनन्य चिंतन तो ये जना माम परजिवासते तेषाम नित्ताभियुक्ता नाम योगोक्षेम अभ्याम्यम। किस लिए भक्तों लोग इतना संतुष्ट रहता है, क्या कारण है, क्या वजह है? जथा लभे संतोष। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ये उपदेशामृतों का ये जो श्लोक है, इसमें जो तत्त कर्म प्रवर्तनात्, ये जो तत्त कर्म प्रवर्तनात् का जो विचार है, ये तत्त कर्म प्रवर्तनात् का जो विचार है, ये तत्त्व प्रवर्तनात् विचार जो है ये कहां से आया, मतलब उत्साहत निश्चात दिज्जात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, भक्ति अनुकूल क्या क्या है, उत्साहत निश्चात दिज्जात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगो त्यागात सतोवृते हे शरभीर भक्ति प्रसिद्धति। भक्ति अनुकूल जो चीज है, ये अनुकूल चीज को शिला सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर जी ने दो भाग करके दिखाया, एक है डायरेक्ट अनुकूल और अन्वय व्यतिरेक रूप में दिखाया, अन्वय में जो करना है, जो करना है इसको अन्वय, जो नहीं करना है ये व्यतिरेक रूप में दिखा के भक्ति का अनुकूल क्या चीज है दिखाने का कोशिश करे, कोशिश किए हैं भक्ति में ठाकुर जी ने विचार। तो ये उपदेशामृतों का ये जो अमृत है, इसका जो तीसरा नंबर जो श्लोक है, ये हमी जो अभी जो बताया भक्ति अनुकूल का जो विचार बताया, इसमें तत्त कर्म प्रवर्तनात् ये विचार जो है, इसमें तत्त कर्म प्रवर्तनात् ये जो विचार है, इसमें उत्साहत निश्चात दैज्ञा तत्व कर्म प्रवर्तनात्, इसमें अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय मैंने डायरेक्टली क्या करना है, व्यतिरेक क्या नहीं करना है, दोनों विचार ही भक्ति का अनुकूल है। एक है डायरेक्ट अनुकूल, एक है हम वैष्णव का अपमान ना करें, ये ठीक है, भक्ति का फेवरेबल है, अनुकूल है व्यतिरेक रूप से। तो इसमें हमने बताया था काल चर्चा की बहु शिष्यों नहीं करना, बहुत शिष्यों बनाना ये उचित नहीं, क्यों, ये बनाने से बिगड़ जाएगा हालत। एक तो बात है जिसको शिष्य बनाओगे उसका ऊपर आपका जो नजर है वो रखना है, आपका नजर रखना है, और गुरु का साथ शिष्य का अगर प्रेम प्रीति का संबंध नहीं बन पाए, अगर गुरु का साथ गुरु जी का साथ शिष्य का ये प्रेम प्रीति का संबंध नहीं बन जाए, तब तक ये भजन बेकार है, भजन नहीं होगा। इसीलिए लिमिटेड शिष्य, बहु शिष्य करने से बहुत हंगामा हो सकता है, और बहु शास्त्र पाठ करना भी निश्चित है, विशेष करके
जो भक्ति का प्रतिकूल है, हमारा गौड़ीय भजन का, इन सब शास्त्रों का विचार नहीं करना जरूरी है, नहीं करना उचित है। अगर कोई जोर जबरदस्ती शिष्य बनाए जो एकदम नालायक है, बदमाश है, लाचार है, हरि भक्ति विलास में किसको दिखा दिया जा सकता है? ये सारे लक्षण गुरु का शिष्य का लक्षण का बारे में बहुत सारी चर्चा हुआ है, लेकिन ये चर्चा जो है ये तो है ही है। लेकिन जो वैकुंठ पार्षद है हमारा गुरुवर्ग, जैसे प्रभुपाद, भक्तिविनोद ठाकुर, केशव गोस्वामी महाराज, श्रीधर गोस्वामी महाराज, भक्तिविनोद तुरी गोस्वामी महाराज, ये लोग भगवान का प्रेम के द्वारा नियंत्रित है। दे आर ऑल ड्रिवन एंड कंट्रोल्ड, दे आर ऑल ड्रिवन एंड कंट्रोल्ड बाई द लव अफेयर विद द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान का साथ। इसीलिए जो उचित नहीं है बाहरी विचार में वो भी दिखाया जाता है। गुरु शिष्य का लक्षण के बारे में मैंने खुल्ला में खुल्ला बड़ा चर्चा नहीं कर पाया, संभव भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर दिखाया था जो महापुरुषों के लिए बहुत सारे चीज संभव है। महापुरुषों के लिए बहुत सारे चीज संभव है। और तो और क्या बोले, एक हाथी को, एक हाथी का जिंदगी परिवर्तन कर दिया रसिकानंद प्रभु, एक हाथी का जिंदगी परिवर्तन कर दिया, एक पागला हाथी को रसिकानंद प्रभु जी, एक कुत्ता का जिंदगी परिवर्तन कर दिया शिवानंद सेन जी, तो क्या कुछ संभव नहीं है। एक बीड़ी पीते, बीड़ी पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, गुटखा, गुटखा तो उस जमाने में नहीं था, खैर छोड़ो, पापा जी उसका जिंदगी में छोड़ परिवर्तन कर दिया। पान खाने वाले हैं, गरगरा खाने वाले, जो जो बुग 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 ऐसे आता है ना पाइप के द्वारा, बड़ा तंबाकू खाने वाले, सबका जिंदगी पापा जी ने परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन कर दिया। हरिभक्ति वाल विलास का जो नियम है वो वैकुंठ पार्षद जो प्रभुपाद है, रसिकानंद प्रभु है, भक्तिविनोद ठाकुर है, ये लोग कर लिया। हमने देखा परम केशव गोस्वामी महाराज, एक उदाहरण दे आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। एक उदाहरण दे दे, परम पूज्यवत केशव गोस्वामी महाराज बाहरी विचार में बड़ा कठोर आदमी है, बड़ा कठोर है, लेकिन अंदर इतना नरम है कि आप सोच नहीं सकते। मक्खन भी इतना नरम नहीं है, हो सकता, संभव नहीं है। बातकुल्ला मतलब कृष्णनगर से दो एक स्टेशन का मामला है। वहां एक लड़का रहता था, गरीब घर का लड़का है, वो लड़का अपना जीवन जिंदगी सब खराब कर दिया, ज्यादा नहीं बताएंगे हम, समझ लेना जो क्या बोलना चाहता है। असत संग के मारे इसका बल वीर्य सारे चला गया, इसका धातु क्षय होते 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 इतना हालत में चला गया कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, भले इसका कुछ इलाज होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, धातु निकालते निकालते वो ये जैसे लड़खड़ा के चलते थे, बीमारी पड़ते थे, घर से उसको निकाल दिया गया, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता ना, कुछ कर नहीं सकता, बेकार लड़का है, बेकार, घर से निकाल दो, चले जा यहाँ से, बैठे बैठे खाएगा और कुछ कर नहीं सकता, निकाल दिया। इन्होंने रोते रोते इधर उधर भड़कते भड़कते कहाँ जाए, एक दफे
देवानंद गौड़ीय मठ में पहुंच गया। इट होनहार की खेल है, कैसे पहुंच गया, कौन ठिकाना, कुछ अता पता कुछ नहीं है, ऐसे ही चला है। ये अरेंजमेंट ठाकुर जी का क्या है? वो आके भक्तों लोगों को रोना शुरू कर दिया, भक्तों लोगों के सामने, हमको बचा लो, क्या हुआ है, मेरे से कुछ नहीं कर किया जाता है, इतना तबीयत खराब है, मैं तो मरने वाला हूं, आपको कृपा कर दो हमारे ऊपर। बोले देखो ये हमारा जो गुरुजी है, आचार्य जो है, परम पूज्यवाद नित्यलय सिसिल भक्ति प्रोग्राम के सब कुछ, ये जो दीवार में छवि टंग रहे ना, ये महापुरुष उस कमरे में है, उस कमरे में है। ये काम करो, दरवाजा भी बंद है, वो जो आपका वो जो रख है, रख बेदी है, उसका नीचे आप परे रहो। दरवाजा जब खुलेगा गुरुजी, तो आप रोके आपका आप रोके आप रोते रोते अपना दुखी दुख भरे नाले सुनाना उसको, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत खाने के लिए दिया और जाके गुरुजी का कमरे का बाहर जो रॉक है, रॉक का नीचे जो जमीन है उसमें पड़ा हुआ है और रो रहा है। महाराज जी ने आरती का पहले अपना दरवाजा खुला और देखा एक लड़का पड़ा हुआ है, अपाहिज लड़का, जैसे कुछ इसको वो मर जाएगा। महाराज आया, ऐ तू कौन है? मेरा नाम ये है, मेरे क्या हुआ, मेरे से कुछ नहीं होता, किसी कुछ ने समझ लिया उसका धातु का समस्या है, कुछ नहीं, मैंने एकदम खत्म हो गया। लड़का का उम्र, और इसमें दिख रहा है लड़का को उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन दिखता है जैसे 80 साल का बूढ़ा है। महाराज ने पूछा, ऐ मठ में रहेगा? हाँ रहेगा, आप अगर कृपा करोगे रहेगा, ठीक है रह जा, जा ए भक्तों लोग है, इसको नहा धोवा करके रहने का व्यवस्था करो, भोजन पानी का व्यवस्था कर दो, चलो कोई बात नहीं, कर दिया। अब महाराज हैरान की बात है, ओ धीरे धीरे महाप्रसाद पाते पाते चरणामृत पाते पाते होम्योपैथिक दवा कराया महाराज जी, बस उसका बाद उसका तबीयत अच्छा होने लगे। क्यों, मठ में तो असत्संग करने का कोई चांस नहीं था, विशेष करके किसी को सीमा का समय, आजकल का जमाने में छोड़ दो, अब हम कुछ बोलना नहीं चाहता है। तबीयत घूमना शुरू कर दिया और महाराज जी उसको हरिनाम दिया, दीक्षा दिया, बाद में आगे चल के वो महाराज बन गया, आगे चल के वो महाराज बन गया। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, नाम बोलना जरूरी है नहीं, लेकिन अभी वो जिंदा है कि नहीं मैं जानता ना हूं, जानता नहीं हूं। वृंदावन में वो था, मैं जो वृंदावन में था, वृंदावन में रहते थे तो वो भी रहते थे, परिक्रमा में कभी कभी देखा हो जाता हुआ करता था, अभी क्या हालत है मैं नहीं जानता हूं। बरसाना सुना है, बरसाना में किसी जगह रहता है, अब मर गया कि नहीं ये भी पता नहीं मेरे को। कहने का मतलब है गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, प्रशांति छा जाए। मैंने बोला ये जो भगवान का द्वारा प्रेरित महापुरुष लोग हैं, ये लोगों का शास्त्रों का जो नियम है, हरिभक्ति विनय में लिखा है, कभी कभी प्रेम के मारे भगवान का सेवा का खातिर ये लोग बाहरी विचार में जो नहीं करना चाहिए कर देता, जैसे ही लड़का को ये दिखा देने का लायक नहीं दे दिया, किफा हो गया। लेकिन बाकी आदमी जो गुरु का काम करे, मतलब जो साधन भक्ति करते करते, साधन भक्ति करते करते गुरु का आसन में बैठा है, ये लोगों को सभी को हरिभक्ति विलास का ये नियम कठोर रूप से पालन करना है, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगा। भक्तिमन ठाकुर जी ने बताया, अगर ऐसे उठपटांग शिष्य बनाना शुरू कर दो
भक्ति संप्रदाय में पूरा अव्यवस्था फैलेगा, कंटामिनेशन हो जाएगा, पूरा चारों ओर पूरा गिर जाएगा व्यवस्था। यहां तक मैं काल सिद्धांत विचार प्रस्तुत किया भगवान का कृपा से, गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा, और यहां तक शुरू किया यथा लाभे संतोष, हानि लाभे समज्ञान। बड़ा ऊंचा बात है, जो कुछ भी भगवान का कृपा के द्वारा मेरा सामने आया हुआ है इसी में संतुष्ट रहना। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जेनो केनो चीतो अनिकेतो स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रिय न रहा। जो कुछ भी भगवान का कृपा के द्वारा मिल जाए, जो कुछ भी भगवान का कृपा के द्वारा मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना ये उचित है। ईशावश्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगतं जग तेनो त्यक्तेन भुञ्जिता मा कश्यचित् धनम्। भगवान का जो प्रसाद है, कृपा है, कृपा के द्वारा जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहो, उसी में संतुष्ट रहना। बाकी किसी का दूसरे का संपत्ति में दखलदारी नहीं करना, आशा नहीं करना। ईशावश्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगतम जत जगतम जगत तेनो तेनो भुञ्जिता मा कश्यचित् धनम्। ये सामान्य बात नहीं है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है अलब्धि विनष्टि भक्खाच्छदन साधने अविक्लवमतिर भूत्वा हरिमेव धिया स्मरेत्। अलब्धि विनष्टि भक्खाच्छादन साधने अविक्लवमतिर भूत्वा हरिमेव धिया स्मरेत्। अगर कुछ चीज मेरा पास आया था लेकिन ले गया, किसी ने चुरा के ले गया या तो खराब हो गया, अलब्धे नहीं तो मिलना था मिला नहीं, मिलना था लेकिन मिला नहीं, अलब्धे अविनाष्टे जो चीज मिलना था मिला नहीं, अलब्धे मिला नहीं, विनष्टे वो हमारा पास साबुत था लेकिन खराब हो गया, विनष्ट हो गया और कोई चुरा के ले गया। अलब्धे बा विनष्टे बा भक्खाच्छादन साधने, भक्को मतलब भोजन पानी, गुजर बसर, गुजर बसर भगवान का कृपा से हो जाए ठीक है, जो भगवान का मर्जी है हो जाए। भक्खाच्छादन साधने अविक्लवम, देयर शुड नॉट बी एनी रिएक्शन इन साइड योर हार्ट, देयर शुड नॉट बी एनी रिएक्शन एनी टेंशन इन साइड योर हार्ट, अविक्लवम कोई भी असर नहीं पड़ता है मन का ऊपर, मन का ऊपर कोई कोई भी जरा सा भी मन का ऊपर, मन का ऊपर, मन का ऊपर जरा सा भी असर नहीं पड़ता है। अविक्लव मतिर भूत्वा हरिमेव दिया स्वरे, हर वक्त हरि भगवान का चरण का चिंता करना, मतलब गुरुदेव का चरण का चिंता करना, भगवान का चरण का चिंता करना, यही है सबसे बड़ा चीज। जैसे एक मिसाल प्रस्तुत करें भागवत जी महापुराण से, तिरंड भुक्खुक का नाम शायद आपने सुने होंगे आप लोग, त्रिदंडी भिक्षु भागवत जी महापुराण में आता है। ये त्रिदंडी भिक्षुक है, ये त्रिदंडी भिक्षुक जो है, ये त्रिदंडी भिक्षुक का पहले का कहानी बताने का कोई समय नहीं है, सिर्फ इतना बता दे एक व्यापारी था, ब्राह्मण है, बड़ा कृपण था, अपना बीवी बच्चा रिश्तेदारों को भी कुछ नहीं देते थे, होनहार की खेल है,
इतना पैसा कमाया जिंदगी में, सारे पैसा राजा ने गुस्से में आकर लेके गया, बहुत टैक्स। बाकी डकैत लोग आया, रॉबरी हुआ, सारे घर से उठा के सारे संपत्ति लेके चला गया। जमीन तो खैर छोड़ो, जमीन को उठा रहे हैं, जमीन को उठाना संभव नहीं है बेचारा। बाकी घर वाले जब देखा इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, सारे संपत्ति गया, उसको लात लगा के घर वाले निकाल दिया, जा बाहर, रहने नहीं दिया। वो बाहर चला गया और पहले पहले इतना दुखी हो गया, पहले पहले इतना दुखी हो गया कि मेरा जीवन जिंदगी में, इन्होंने रोना शुरू कर दिया, मेरा जीवन जिंदगी में जितना सारे कमाया मैंने सारे गंवा दिया, कुछ नहीं है, अब मैं बेसहारा बन गया। घर वाले भी बीवी बच्चा सब लात मार के निकाल दे, जा बाहर साले, बाहर निकाल दे। अब बेचारा क्या करे, अचानक ना जाने कैसे परमात्मा का निवास है मस्तक के ऊपर, शतदल उसका ऊपर परमात्मा का निवास है। परमात्मा किसी का ऊपर चैत्य गुरु रहता है, चैत्य गुरु का कृपा बन गया, न जाने कैसे कैसे हो गया कृपा। अचानक इसको समझ में आ गया, नूनम भगवान हरि ही, निश्चित रूप में भगवान हरि मेरा ऊपर संतुष्ट हो गया। जेनो एनो दशानितम, निश्चितमेव, आज मेरा ऊपर भगवान संतुष्ट हो गया। नूनम भगवान में संतुष्ट हो, जेनो एनो दशानितम, इसीलिए मेरा ऐसा हालत पैदा हुआ। आज से पहले कभी भी मेरा जिंदगी में ऐसा वैराग्य का पैदा नहीं हुआ। नूनम में भगवान संतुष्ट हो, नूनम में भगवान हरि ही संतुष्ट हो, भगवान मेरा पर संतुष्ट हो गया। नहीं तो आज तक मेरा जिंदगी में ऐसा मापिक वैराग्य का पैदा नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्य की बात है, मेरा अभी जिंदगी में खुशी छा गया, इतना दिन इतना संपत्ति का बीच में रहते हुए भी इतना खुशी का बार नहीं आई, लेकिन आज आनंद ही आनंद है। मैं मुक्त हूँ, आई एम ए फ्लाइंग बर्ड, मैं उड़ता हुआ चिड़िया हूँ। अभी तक पिंजरे का अंदर में थे, अब तो मैं मुक्त हूँ, आहा संतुष्ट हो गया। और बोले तिरंडी संन्यास ग्रहण की, तिरंडी संन्यास मतलब काय मन और वाक्य के द्वारा दंड देना अपने को, अपना घटिया स्वभाव को शोधन करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, काय मन और वाक्यों के द्वारा भगवान का चरणों में शरणापत्ति सेवा करते करते ट्राई टू रेक्टिफाई योर सेल्फ, योर बैड कैरेक्टर, डर्टी कैरेक्टर, एवरीथिंग, इसका नाम है तिदंडी संन्यास। अब महाराज वो तिदंडी संन्यास लेके प्रतिज्ञा लिया, क्या प्रतिज्ञा, ये मैं भगवान का चरण का सेवा छोड़कर कुछ नहीं करेंगे। प्रभु कहे साधु यही भक्कुप बचन, महापुरुष संन्यास लेने के बाद ये बात को उठाया था। प्रभु कहे साधु यही भिक्षुक वचन, मुकुंद सेवन व्रतो कोइलो निर्धारण, महाप्रभु कटवा में संन्यास लेने के बाद ये विचार को बार बार
दौराया। प्रभु कहे, प्रभु कहे साधु ए, प्रभु कहे साधु ए भिक्षुक वचन, मुकुंद सेवन रतो, मुकुंद सेवन रतो कोइलो निर्धार, कोइलो निर्धारण। एतम समास्तायो परात्मनिष्ठा पूर्वतनैर महद्भिर अहम तरिष्वामी दुरंत पारम तमः मुकुंदांग्री निषेवैव। मैं दुरंत भव सागर, मैं दुर्बार दुरंत भव सागर को मुकुंद सेवा करते करते अनायास हंसते हंसते गाना गाते गाते भगवान का नाम लेते लेते पार होके चले जाएंगे। एतम समस्तायो परात्मनिष्ठा पूर्वतनैर महद्भिर अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमहा मुकुंदांग्रे निषेवैव। मुकुंद चरण का सेवा करते करते मैं अनायास पार हो जाएंगे, बेरा पार हो जाएगा। महाराज पूरा दिन कमंडुल लेके भिक्का दंड लेके भिक्का करके थोड़ा बहुत चावल आदि कुछ मिलते थे उसको रोसी करके भोग लगाया करते थे नदी का किनारे और उसी को पाकर गुजर बसर करते थे। उसका जो कुछ भी है प्रोटीन विटामिन मिनरल सब इसका अंदर में आ जाता था, उसका कोई फिक्र नहीं था शरीर का। मेटेरियल अटेंशन जितना तक हमको सताएगा उतना ही हम गिरते चलेगा। मेटेरियल चिंतन, मेरे को जानकारी है मैं भी गरीब घर का लड़का ही था और ऐसा भी हमने देखा है बड़े बड़े सब बड़े बड़े नाम कमाया वो लोग पहले इतना गरीब था। बहुत सारे नाम हम बता सकता है, बहुत सारे गरीब घर का लड़का है लेकिन इन्होंने बाद में दिखाया बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। एक माली का लड़का है, एक माली का लड़का है गार्डन को ठीक करते थे, उसका लड़का इतना बड़ा एक स्पोर्ट्समैन बना। बहुत सारे, ये सब बताने का समय नहीं है। गरीब घर का वैज्ञानिक भी है बहुत सारे, हरगोविंद खुराना ये नोबेल प्राइज पाया, बहुत सारे कहानी है एक नहीं है। अच्छा जो प्रफुल्ल चंद्र राय जगदीश बोस सारे गरीब घर का लड़का है। ये जो त्रिदंडी भिक्षुक है इसको समाज का आदमी अपमान करते थे, उठते बैठते गाली देते थे, पत्थर फेंकते थे, पिशाब करते थे, थुक्कार देते थे शरीर का, वो ये धोखेबाज है, ये मक्कार है, धोखेबाज है, इसका दूसरा कोई चारा नहीं है, भिखारी बन गया, वो ड्रामाबाजी कर रहा है, ऐसा कह गाली देते थे। लेकिन त्रिदंडी भिक्षुक सारे सहन कर लेते थे, कुछ नहीं बताते थे, यहां तक कि पूरा दिन का भिक्षा लाके नदी का किनारे कुछ पका के भोग लगा के पाने बैठा, बच्चा लोग आके बदमाश सब लड़का लोग आके इसका भोजन का ऊपर पेशाब कर दिया। लेकिन फिर भी इन्होंने किसी को गाली नहीं दिया, ये सोचा ये मेरा ही तकदीर में लिखा हुआ है। तत्यनुकंपा सुसमीक्षमानम भुंजान एव आत्मकृत विपाकम रद्भाग बबुवीर विदधत नमस्ते जीवे तो जो मुक्तिपति सदाय भाग। मैंने और एक कहानी उठाया था जगन्नाथ मिश्रो का, घर में मायापुर में एक भिक्षुक बाबा आया था परमहंस,
जगन्नाथ जी महाराज इसको पैर पकड़ा, बोले महाराज अहो भाग्यो से एक अहो भाग्य से ऐसा महापुरुष का आगमन होता है, साधु संतों का, साधु संतों का आगमन तो मंगल का लिए ही होता है। नान्नथा कल्पते कचित, गृही नाम दीनो चेतोसाम, गृही व्यक्ति दीन चेता व्यक्तियों को मंगल करने के लिए साधु संतों का पर्यटन लगे रहता है। अब रसोई करने का पैर पकड़ा तो आपको हम सामान देते हैं, आपको अनाज आदि सब देता, आप पका के खाओ, भोगो, भोग लगाओ। इन्होंने लगाया, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, समय कम है। संतोष किसको बोला जाता है, भगवान के ऊपर भरोसा किसको बोला जाता है, देखो इन्होंने पकाया, भोग लगाया, ये कोई सामान्य साधु नहीं थे, जिन्होंने जन्म जन्म भगवान का भजन की। गौर गोपाल, जब भगवान बाल गोपाल को इन्होंने निवेदन किया, ये गौर गोपाल जो बाल गोपाल है वो आके खा लिया। आज साधु ने चिल्लाया, अरे बच्चा ने सब झूठा बना दिया, सब झूठा कर दिया। फिर जगह को संस्कार किया, बर्तन धोया, फिर भोग, फिर बोला आप दोबारा बनाओ। पर देखो आज हमारा तकदीर में नहीं है, देखो इतना रात हो गया, आज मेरा तकदीर में भोजन पानी नहीं लिखा है, क्यों जोर जबरदस्ती कर रहे, नहीं आप बनाओ। एक बार, दूसरा बार, तीसरा बार, रात 12-1 बज गया, तब सन्यासी पका के भोजन, भोग लगाया, निवेदन किया, सारे आदमी सो गया, किसी को होश नहीं है। लेकिन जब निवेदन किया बाल गोपाल को, फिर से गौर गोपाल आकर प्रसाद को पाया, भोग को पाया। और जब चिल्लाना, ए चुप 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 चुप, जब चिल्लाना चिल्लाने गया तो गौर गोपाल ने बोला, चिल्लाओ मत, तुम मेरे को बुलाया, मेरा क्या कसूर है, आप मंत्र बोल के, आप मंत्र बोल के मेरे को बुला रहे हो, मैं क्या करूं, आना पड़ा मेरे को, मैं ही आपका इष्ट देव हूं, बोल के तमाम दिखा दिया। कहने का मतलब है, ये जो बाबा ने जगन्नाथ मिश्रो का भवन में आए, देखो तीन बार रोसी किया, कितना उसका पेशेंस है, तीन बारों में तीन बार इतना भोजन बनी। वो बोला भगवान का ऊपर, भगवान का भरोसा का ऊपर, भगवान का भरोसा का ऊपर आस्था रखने वाले, विश्वास रखने वाले आदमी कभी असंतोषी बाबा नहीं हो सकता। भगवान का कृपा का ऊपर भरोसा रखने वाले कोई बाबा, कोई व्यक्ति कभी असंतोष नहीं प्रकट कर सकता है, ये कहने का मतलब था। तो अलब्धे बा विनष्टे बा भक्खाच्छादन साधने अविक्लव मतिर भूत्वा हरिमेव ध्यास्वरे, ये बात हुआ कि नहीं, आया कि नहीं, देखो देखो इसी श्लोक को मैंने व्याख्या किया। अलब्धे बा विनष्टे बा भक्खाच्छादन साधने अविक्लव मतिर भूत्वा हरिमेव ध्यास्वरे, हर वक्त मन ही मन भगवान का ही चिंतन करते रहना। बाकी असंतोष तब आता है जब गुरु विष्णु भगवान धाम नाम के साथ मेरा लिंक टूट जाता है। जब भगवान का धाम नाम सबका साथ मेरा लिंक जब टूट जाता है, तभी डिसरेस्पेक्शन बोलकर एक बीमारी हमारा हृदय में प्रकट होता है। भक्तिमय ठाकुर ने कीर्तन में बताया, गृहे थाको बोने थाको सदा हरि बोले रखो। और एक उदाहरण दे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी, ये उदाहरण सुन लो, बहुत सारे शास्त्रों का विचार सुनोगे याद नहीं रहेगा। ट्राई टू लिंक एवरीथिंग विथ वन इंसिडेंट टू प्रिजर्व यू दोस थिंग इनसाइड योर हार्ट। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने वृंदावन के जंगल में इधर उधर जाया करते थे, बिहारी का साथ, बिहारी चलो, बिहारी को लेके बाबा कहाँ गया, बिहार बन कहाँ गया, जाके एक पेड़ का नीचे बैठ गया।
अब बिहारी बोला बाबा एक कहां कौन सी जगह आया है, क्यों? बोले यहां तो रोटी पानी कुछ नहीं मिलेगा, हप सब मिलेगा, चुप बैठ कीर्तन कर। बोले यहां कैसे आएगा, क्या दूर गांव है, कौन लाएगा रोटी, तू कीर्तन कर चल। तेरा पास खोल करता है ना, खोल मृदंग है ना, दे बजा दे जोर से, डुम 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 बजा दिया, और करताल बजा दे, हाँ हो गया, और हरि नाम कर जा, रोटी आ जाएगा जा। अरे महाराज वहां रोटी छाछ दही सब आना शुरू कर दिया, ए बाबा आया कुछ जंगल में, अरे रोटी पानी नहीं, चल मेरा जिंदगी में भी हुआ है, मैं डोलते डोलते अकेला एक दफे धर्मकुंड, धर्मकुंड मतलब काम बन में, काम बन में विमलाकुंड नहीं है, विमलाकुंड नहीं है, विमलाकुंड अलग है, वो काम बन में ही है लेकिन विमलाकुंड से बहुत दूर है, मतलब कामेश्वर महादेव देखे बहुत पार करके बहुत दूर जाना पड़ता है गांव का अंदर। मैं उधर से डोल रहा था धर्मकुंड का अगल बगल में, और दो चार मैया पानी लेने आए, हे बाबा कुछ पाया, हमने उत्तर नहीं दिया, बोले चल आ जा मेरे साथ, मैं को लेके गया पीछे पीछे, मैंने गया जैसे बच्चा जाता है मैया का पीछे, जाके घर में बैठाया, बैठ इधर बैठ, हाँ रोटी दिया सब दिया, मैं खाना शुरू कर दिया, मैं हैरान हो गया। कभी भी मैं भोजन पानी के लिए व्यस्त हो जाऊं ये उचित नहीं, सारे भरोसा भगवान के ऊपर है, कैसे कैसे हो गया था, मेरा पास कुछ नहीं है, हर आदमी जानता है कैसे हो गया, लाइब्रेरी गौशाला है, हैं कहाँ कहाँ से, पुराना जगह तो कुछ वृंदावन से आने का पहले कुछ आदमी ने बनाया, अब भगवान का कृपा से हो रहा है, अब नया जगह बंगला कथा का भी जगह हो रहा है, सारे हो गया, कौन बना रहा है, मेरे को बोलो, हम कुछ नहीं बोल सके कैसे हो गया, मैं मेरे को पता नहीं कैसे कैसे हो गया, मैं जानता नहीं, कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन हो गया मेरा, इसलिए विश्वास है मैं पेनीलेस 9 किताब जब छपाया, मैंने सोचा कि 9 किताब कैसे छपेगा, बाद में देखा 9 किताब का छपाई हो गया, कैसे कैसे हो गया, कहां कहां से आ गया, अरे राम राम राम, अरे राम राम, दिल्ली में ओखला में, दिल्ली ओखला प्रेस, रुकमो प्रेस बोल के एक प्रेस है उसमें है, वहां एक वहां मेरा छपाई हो गया, बाहर से आया किसी ने, किसी अच्छा हमारा मठ से, वो कहाँ बाहर से गुरुजी का इच्छा है किताब निशिंग परिचर्या, ये छप गया, हो गया, किसी ने पैसा दिया, कितना पैसा दिया मेरे को पता नहीं, मैंने बोला जो भी है किताब का ये वैल्यू है आप प्रेस में जमा कर दो, मेरे हाथ में मत दो, और किसी ने दिल्ली में गुरुजी का इच्छा पूर्ण करने के लिए भक्ति विनोद वाणी वैभव, उसका उसका ही कीमत ज़्यादा है, 1,20,000-30,000, नृसिंह परिचर्या भी बहुत सारे कीमती है, बाकी सारे 9 किस्म का किताब, गोवर्धन का एक डॉक्टर है, वो गांव का डॉक्टर है ब्रजवासी, और उन्होंने दिया एक किताब का, सारे कैसे कैसे हो, अरे हम तो हैरान हो गया, अरे कैसे हो गया, 9 किताब का पैसा आ गया, मैंने प्रेस वाले को दे दिया, वो आया तो नारायण महाराज जी का ये शिष्य है और रुकमो प्रेस वाले, वो अगर थोड़ा भी कमती भी होता वो मान जाता, बाद में दे देंगे, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन हुआ कैसे कैसे हो गया, देखो हैरान की बात है, तो विश्वास होनी चाहिए, जैसे जगन्नाथ दास जी महाराज बोले देखो कहां से रोटी पानी आना शुरू कर दिया, जिंदगी में मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब मेरा रोटी पानी नहीं मिला, वहां एक दिन हुआ था, ये भी मेरा साथ एक आदमी था, उसका तकदीर अच्छा नहीं है, अभी बदमाश है अपराधी है, गोवर्धन परिक्रमा करते करते वो भूखे मर रहा है, मेरा कुछ कष्ट नहीं, मैं चल रहा हूं, फिर किसी जगह से भिक्षा करके उसको खिलाया, किसी जगह जब भी है कोई बात नहीं, तो अपने आप मेरा जिंदगी में सब ठाकुर जी के पास हो ही जाता है,
अलब्धेव विनष्टेव भक्षाच्छादन साधने, अलब्धेव विनष्टेव भक्षाच्छादन साधने अविक्लव मतिर भूत्वा हरिमेव धिया स्मरेत। सो गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको, आहार आच्छादन रहने का ये सब विचार नहीं करना है, भगवान व्यवस्था कर दें। गृहस्थ का किसी कार्यो कारोबार प्रजारक्षण दूसरे का दासो करके दूसरे का दास दूसरे का सेवा करके दूसरे किसी का घर में किसी पैसा वाला आदमी का घर में काम कर किसी भी हालत से अपना ग्रास आच्छादन रहन सहन खान पीन का व्यवस्था कर लेना चाहिए। और ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जैसे कि कीर्तन का ये जो पद है, अनायास पाए कृष्ण गुण गाय आरना भजवान, अनायास में मिल जाता है। जिस कमाई में बहुत सारे एनर्जी देना पड़ता है हरि भजन छूट जाता है, ये भजन का खिलाफ है। अनायास पाए कृष्ण गुण गाय, भगवान ने गीता में भी ये बताया, देखो परधर्मो भयावहो, परधर्म नहीं करना, विगुणो सधर्मो विगुणो ना विगुण हमारा जो दुर्गुण है हमारा सधर्म है, फिर भी इसी को ही करना, दूसरे का अधिकार को छीनने का कोशिश नहीं करना। ऐसा करके भक्वा आच्छादन का बारे में त्यागी व्यक्ति को तो कहना ही क्या है, त्यागी व्यक्ति का बारे में तो कहना ही क्या है, ये लोग को मानना चाहिए। ये लोग क्यों परेशान हो जाता, बामन गोस्वामी महाराज अक्सर ये श्लोक कहते थे, अरे कैसा बातें करते हैं। देखो पवन गोस्वामी महाराज कहते थे, देखो हैं पवन गोस्वामी महाराज कहते थे, विश्वंभर जो है ये लोग क्यों परेशानी हो जाता, ग्रास आच्छादन रहन सहन के बारे में चिंतित क्यों हो जाते, भजनों ग्रास हैं ग्रास आच्छादनों विषय में वृथा चिंताम कुर्वंती वैष्णवा, ग्रास आच्छादन हैं विषय में वृथा चिंताम कुर्वंती वैष्णवा, क्यों जो विश्वंभर जो है पूरा जगत को पाले तो है ही है, पिता चिंता जो भी है यहां तक विचार बनाया और ग्रास आच्छादन आगे अगर नहीं मिला, बहुत सारे ऐसा कहानी है, एक कहानी नहीं है बहुत सारे, बहुत जयदेव गोस्वामी का कहानी बताएं, बंधु महंतो का कहानी बताएं, पुरी में उड़ीसा में बहुत कहानी बताएं हम बंधु महंतो, बच्चा लेकर बेचारा समुन्द्र के किनारे एक झोपड़ी बनाया, कुछ खाने पीने का कुछ नहीं है, कीर्तन करते रहते हैं, जगन्नाथ ने अपना सोने का थाली का भोजन जो है वो प्रसाद उसको दे के आया, राजा ने ढूंढते पागल हो गया, अरे सोने का थाली क्यों उठा के ले गया, मारो उसको, छानबीन करते करते देखा सोने का ग्लास सोने का थाली बंधु मानती का उधर पड़ा हुआ है, उठा के ले आया, राजा का सामने पेश किया, देखो इसका सामने मिला है,
वो रोते रोते बोला, महाराज हमको पता नहीं किसी के आके है, किसी ने आके देखे गया चोर कहीं का बदमाश, मैं सच्चा बता रहा हूं, किसी ने देखे गया, दो लड़का आया था सब देखे गया मेरे को, बोला आप भोजन करो, मैंने भोजन किया, मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है बताओ। उसको बंद कर दिया और रात का टाइम में जगन्नाथ गुस्से में आकर बोल रहा है खोल जल्दी, मैंने जाकर उसको दिया था प्रसाद, खोल जल्दी, खोल जल्दी। उसको खोल दिया और पैर पकड़ा, महाराज क्षमा कर दो, पता नहीं था जगन्नाथ बलराम जी ने ऐसा किया, क्षमा करना ऐसा ही है। बहुत सारे कहानियां ऐसी, बहुत सारे कहानी। तो किसी भी हालत से, जैसे एक उदाहरण और दे दे, रंतिदेव को परीक्षा लिया मुनि ऋषि, किसी मुनि ऋषि ने इसको परीक्षा लिया, सारे ले लिया, इसका जमीन जायदाद राज्य और राजधानी, रंतिदेव महाराज लाके इसको उसका नाम है विश्वामित्र मणि, इसको भिखारी बना दिया, रस्ते का भिखारी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाने पीने का कुछ नहीं है, गांव का बाहर एक पैर का नीचे आश्रय लिया और भोजन पानी कुछ नहीं है। भगवान का परीक्षा है, एक थाली, बड़ा थाली भरपूर प्रसादम आया, उसमें संजाब छातु भी आया है, चावल रोटी बहुत सारे, माने एक एक दो आदमी का खाने का भरपूर अरेंजमेंट है, व्यवस्था है। इन्होंने बीवी बच्चा को लेकर प्रसाद को सम्मान करने के लिए तैयारी में थे, इतने में एक आदमी आ गया, राजन, मैं बड़ा राजन तो वो लोग जानता नहीं जब ये, मैं बड़ा भूखा हूँ, मेरे को भोजन दे दो कृपा करके। रंतिदेव ने इसको जमाया प्रेम से, बोले खाओ खूब खाओ कोई बात नहीं। खाने के बाद जो बच गया, जैसे संजाब छातु आदि जल गुड़ है ना, वो ठीक है, इसी को ही थोड़ा पाले हम लोग, जो पाने के लिए व्यवस्था कर रहा था, इतने में एक और आदमी आया, मैं बड़ा भूखा हूँ, मेरे को भोजन दे दो, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं, ओ खूब खाओ, लो उसको दे दिया सब। बाद में महाराज थोड़ा सा पानी बच गया, बोला ठीक है मैं थोड़ा पानी पी लूँ, ठीक है थोड़ा पानी पी लूँ, पानी पीने जा रहे हैं, इतने में एक चांडाल जंगल से निकल के आया, मैं प्यासा हूँ, मेरे को तुझ पानी दे सकते हो, हाँ हाँ खूब ले लो, उनके पानी दे दिया। और भूखे प्यासे रहकर रंतिदेव जी ने भगवान का चरण में गिर गिरा के एक प्रार्थना किया, ठाकुर जी ऐसे ही मेरे से सेवा लेना। क्यों? रंतिदेव का विचार था हर आदमी का अंदर में भगवान है, उसी का सेवा मैं कर रहा हूं। रंतिदेव कोई जड़ जगत का आदमी का सेवा नहीं किया, क्यों? विचार अलग सा था, क्यों? वो सोचे सब कोई का अंदर में भगवान है, अब कोई को सेवा किया तो भगवान का सेवा, भगवान संतुष्ट हो जाएगा, सारे दे दिया। हाँ बोला ठाकुर जी ऐसे ही मेरे को सेवा का मालक देना, ठाकुर जी मेरा ये विनती है आपके चरण में, ऐसे ही मेरे को सेवा का महलत सुजोग देना, जैसे मैं अपना जीवन जिंदगी को एकदम पूरा भरपूर, मेरा जो कुछ भी है सब देके ये जो सब जो है ये सब को आपका संबंध लेकर मैं चिंता कर रहा हूं, ये सारे तमाम दुनिया का सेवा हो जाए। ये लोग का जितना सारे कष्ट है, रंतिदेव जी ने भगवान का चरण में
यहाँ तक भी प्रार्थना किया, ठाकुर जी ये जो सारे जीवात्मा है, अनंत जीवात्मा, ये जीवात्माओं का जितना सारे कष्ट है, कर्म फल है, सब मेरा ऊपर दे दो, सब मेरा ऊपर दे दो, बस ये लोग रिहा कर दो, मेरा ऊपर डाल दो, सारे पाप है जो कुछ भी किया है कर्म फल सब मेरे को दे दो, ये लोग को रिहा कर दो। वासुदेव दत्त भी ऐसा बोला महाप्रभु को, प्रभु जगत का जितना प्राणी है जीव, इन लोगों का दुख मेरे से देखा नहीं जाता है, आप सारे दुनिया का दुख और कष्ट जो है मेरा सर पे दे दो, मैं अनंत काल ये लोग का कर्म फल लेके भोगते रहूं, ये लोग रिहा कर दो ठाकुर जी। गौरंग महापू जी ने बताया तुमको भोगना पड़ेगा, क्यों, तुमने अगर इच्छा प्रकट की तो हो गया, चलो हो गया, हो गया, सब कोई को कृष्ण बेरा पार कर देगा। तो ये विचार जो है बड़ा अद्भुत विचार है, हर वक्त संत रहना, जथा लाभ संतोष, और कुछ किसी ने छीन लिया, चोरी कर लिया, या तो खराब हो गया, कुछ भी हुआ, जथा लाभ संतोष रखना, और हानि लाभ में समग ज्ञान, प्रॉफिट एंड लॉस सेम मूड रहना जरूरी है। और भक्तिमान ठाकुर जी ने बताया जो भक्त होगा वो अपना जीवन जिंदगी में कोई शोक दुख नहीं बोलना, शोक वर्जन, शोक मतलब जैसे शिवास पंडित जी का लड़का चला गया, जैसे शिवास पंडित जी का लड़का दुनिया से चला गया, और चैतन्य महाप्रभु वहाँ मौजूद है, संकीर्तन चल रहा है, फिर भी शिवास पंडित को कोई दुख नहीं सताया, इन्होंने आनंद से भरपूर कीर्तन की, यहाँ तक कि घर का अंदर से बीवी आदि सब रिश्तेदार का जो क्रंदन है, रोना, ये भी अंदर में जाके चुप करा दिया है, चुप हो जा, बिल्कुल नहीं करना, मेरा प्रभु कीर्तन कर रहे हैं। शोक आदि वर्जन, और महाराज समाज में देखा जाता है हर आदमी शोक का वशीभूत है, हमको पैसा नहीं मिला, किसी ने सम्मान नहीं दिया, मेरे को ये फलाना किया, ये किया, बात ये शोक। शास्त्रों का विचार है, शास्त्रों का ये विचार है, जो हर वक्त शोक करते रहते हैं, शास्त्रों का ये विचार है, जो हर वक्त शोक शोक प्रकट करता है, इसका नाम है शूद्र, इसका नाम है शूद्र। शोकम शोकम करोति इति शूद्र, ये हर वक्त शोक करते रहते हैं, इसका नाम है शूद्र। शोकम करोति इति शूद्र, कभी किसी विषय लेकर शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि शोक तमगुण है, शोक व्याधि उचित नहीं है। गृहस्थी का घर में बच्चा चला गया, स्वामी चला गया, पत्नी चला गया, बाबा पिता माता चला गया, बड़ा भारी शोक में डूब जाते हैं, किंतु कोई भक्ति साधक है, भक्ति साधन करने वाले, किसी भी हालत जिंदगी में पैदा हो जाए, लेकिन उसको शोक दुख का, शोक और दुख का वशीभूत नहीं होना चाहिए। कृष्णानुशीलन, भगवान का सेवा का अनुशीलन जो है, ये सबसे बड़ा चीज है। अगर शोक दुख आए तो सेवा में रुकावट है, तो तत्त कर्म प्रवर्तन का तत्त कर्म प्रवर्तन इस चीज इस विषय का व्याख्या करते हुए पिछले बहुत दिनों से ये चर्चा होते होते हम जा रहे हैं। विचार मैंने बताया शुरुआत में, एक अन्वय डायरेक्ट विचार क्या करना है, दूसरा है
व्यतिरिक विचार क्या नहीं करना है, ये भी भजन का अनुकूल है, ये भी भक्त का उत्साहत निश्चात द्विजात उत्साहत निश्चात द्विजात तत्त्व कर्म प्रवर्तनात्, ये तत्त्व कर्म प्रवर्तनात् का विचार चलते हुए आज हम लोग यहाँ तक विचार प्रस्तुत की। जे कभी भी हालत से एक भक्तों को कभी भी किसी भी हालत में एक भक्तों को अपना शोक व्याधि क्रोध काम ये सब जो वेग है वैष्णव साधक का जिंदगी में हर हालत में त्याग करना है। अगर नहीं करे ये भजन का रुकावट है। निरंतर कृष्ण स्मृति इट इज वन काइंड ऑफ इंटरप्शन इन द वे ऑफ माय कंटिन्यूअस कृष्ण स्मृति। कंटिन्यूअस कृष्ण स्मृति अनर्गल निरवच्छिन्न अनइंटरप्टेड कृष्ण स्मृति अगर रखना है तो ये सब चीज आपको याद रखना है। शोकामर्षादिभिर्भावैराक्रान्तं यस्सु मानसं कथं तत्र मुकुन्दस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। शोकामर्षादि क्या बताया, शोकामर्षादिभिर्भावैराक्रान्तं यस्सु मानसं कथं तत्र मुकुन्दस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। अर्थात शास्त्रों का विचार है पद्म पुराण में जो शोक अमर्षो शोकामर्षादिभिर् भावैर आक्रांत जस्व मानसम जिसका मन दुख के द्वारा शोक दुख के द्वारा आक्रांत है शोक दुख के द्वारा आक्रांत है जिसका मन इसका हृदय में कथम तत्रो मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। कैसे मुकुंद भगवान का स्फूर्ति चिंतन इनके लिए संभव है, कैसे संभव है बताओ, क्योंकि ये शोकामर्षा अभिभूत है, ये शोक अमर्ष से शोक दुख ऐसे अभिभूत है। अब ऐसे अवस्था में इसी हालत में कैसे संभव है कि ये भगवान का स्मृति अपना हृदय में बना के रखे, हाउ इज दैट पॉसिबल। शोकामर्षादिभिर्भावैराक्रांतं यस्सु मानसं कथं तत्रो मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। आज यहां तक विचार को सीमित रखे और रोज एक ही समस्या हो रहा है या तो कंप्यूटर का या इंटरनेट का न जाने क्या समस्या। ये कली महाराज ये कली बदमाश कली हंगामा कर रहा है, आप लोगों के साथ मेरा कनेक्शन नहीं बन पाता और रोज एक ही कष्ट मेरे को भोगना पड़ता, बड़ा दुखी हूं मैं। बहुत जल्दी ये कोशिश करेंगे ये समस्या को समाधान करने के लिए, क्षमा करें, शायद नेक्स्ट वीक से इस समस्या का समाधान का बिल्कुल प्रयास प्रचेष्टा करेंगे या तो नया कंप्यूटर यूज करेंगे, कुछ उपाय नहीं है। क्या बात है, रोज ऐसा हो रहा है। कायेन वाचा मनस इंद्रियर्वा बुद्ध्वात्मना वा अनुसृतो स्वभावात् करोति जद जद सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत। कायेन वाचा मनस इंद्रियैर्वा बुद्ध्वात्मना वा अनुसृतो स्वभावः
करोति जद जद सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्वत् वांछकल्पतरुषि कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।